क्या परिचय है आपका? मैं रमेश चंद सराफ जी उच्च आइए। श्रेणी शिक्षक हूँ और शासकीय हाई स्कूल बड़वानी में पदस्थ हूँ। आज ये क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ये जो कार्यक्रम है, हमने 7-8 जो शिक्षक हैं हमारी संस्था के, उन शिक्षक शिक्षकों ने मिलकर के एक मंडल बनाया है, श्री राधे मित्र मंडल। और हमारा उद्देश्य, पिछले वर्ष जिन्होंने अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए उनको हमने सम्मानित किया है। और आने वाले समय में हमारी जो योजना है कि हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में जो मिस्टेक होती है, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग तरह की वो होती है, तो उसको समानता लाने के लिए जो परेशान हो रहे हैं बच्चे, तो उसके लिए हमने सोचा है कि उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्या और क्या न तो कोई एनजीओ ध्यान दे रहा है, वो दूसरे योजनाओं में जरूर लगे हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है बच्चों का, जो परेशानियां आ रही बच्चों की, उसके लिए हमारा ध्यान गया है कि आने वाले समय में उन बच्चों की मदद करें। हम आज कितने बच्चों का सम्मान किया? आज लगभग 20 से 25 बच्चों का सम्मान किया हमने। उसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुशासित बच्चों का और दिव्यांग श्रेणी के जो बच्चे थे उनको भी सम्मानित किया है। थैंक यू। देखिए, आज वीवो कंपनी द्वारा लोगों को निःशुल्क हेलमेट वितरण किया जा रहा है। ये कंपनी से मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया कि ये 20वां चरण है। अभी तक मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में कंपनी ने लोगों के यातायात की सुरक्षा को, उनकी सुरक्षा को देखते हुए 3800 हेलमेट वितरित किए हैं। और आज के समय में यातायात की दुर्घटनाएं बहुत हो रही है जिसमें असमय ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मैं ऐसा मानता हूं कि व्यक्ति अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और धरती पे अगर हम देखें तो ईश्वर की नायाब कृति इंसान को माना जाता है, और इसके जान की सुरक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है हमेशा लोगों को जागरूक करती है, हमेशा समझाइश देती है कि जब भी आप सड़क पे निकले यातायात के नियमों का पालन करें, हेलमेट धारण करें और खुद भी सुरक्षित रहे और सड़क पे और जो लोग चल रहे हैं उनको भी सुरक्षित रखें। एक ये संदेश है पूरे जिले के लिए। हमारी तरफ से मीडिया के माध्यम से हम सभी से यही अपील करते हैं कि हमारे जिले में रोज दुर्घटनाएं होती है और इससे बचने के लिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट धारण करें, फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहने, इससे दुर्घटना में आपकी जान बचती है। पहला काम यही करना है कि सड़क के नियमों का पालन करें। सभी से मेरी अपील यही है पूरे जिले वासियों से कि खुद भी सुरक्षित रहे और लोगों को भी सुरक्षित रहे।